जिले के पवाई थाना क्षेत्र के गोधना गांव की अनुसूचित जाति बस्ती के घरों में लगे देवी देवताओं की तस्वीर व फोटो को कुछ युवकों ने फाड़कर जलाया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले की जानकारी होने से हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पवाई थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर फोटो जलाने वाले शरारती व मनभड़ 9 युवकों को चिन्हित कर लिया है। चिन्हित किए गए युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के साथ ही तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 30 सितंबर को अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल में सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार के आयोजक कैलाश गौतम के नेतृत्व में काफी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल हुए थे। सेमिनार के बहाने वक्ताओं ने दलितों के वोटों को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। इस सेमिनार में हिंदू देवी देवताओं का फोटो अपने घरों से बाहर करने के आह्वान की भी चर्चा रही। लोगों का कहना है कि इस आह्वान के परिप्रेक्ष्य में पवई थाना क्षेत्र के गोधना गांव के कुछ युवकों ने दलितों के घरों में लगे देवी देवताओं की तस्वीर व फोटो फाड़कर जला दिया। तस्वीर व फोटो फाड़ने के साथ ही उसे जलाने की पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। किसी ने इस वीडियो को मुख्यमंत्री को भी ट्वीट कर दिया। सीएम को वीडियो ट्वीट होते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। अनफनन में पवई थाना पुलिस गोधना गांव पहुंची। सीओ फूलपुर का कहना है कि फोटो फाड़ने व जलाने वाले 9 युवकों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र पवई के ग्राम गोधना के कुछ शरारती तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के फोटो को फाड़ कर जलाया गया तथा सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया गया, जिस संबंध में वहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। इस संबंध में मुकदमा कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, ये फरार चल रहे हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्तरीय 15 सूत्री मांगे व जनपद स्तरीय 7 सूत्री अपनी मांग को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने विकास भवन के परिसर में धरना दिया। धरने के माध्यम से सफाई कर्मियों ने ग्रेड पे बढ़ाकर 1900 किए जाने, 10 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने, सुपरवाइजर के पद पर सफाई कर्मियों को प्रोन्नत किए जाने, पेरोल की व्यवस्था समाप्त किए जाने व पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर संघ ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। स्वच्छ आजमगढ़ और सुंदर आजमगढ़ का वायदा करके ही सभासदों ने शहर की जनता से वोट लिया था। काफी समय बीत जाने के बावजूद विकास कार्य नहीं हो रहे थे, अब जब शुरू हुए तो घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सभासद और परेशान हो गए। उनकी परेशानी ये है कि अगले चुनाव में अब जनता को क्या मुँह दिखाएंगे। घटिया निर्माण और अधूरे विकास कार्य का मुद्दा लेकर कई सभासद आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को सभासदों का एक प्रतिनिधिमंडल इसी मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी से मिला। इसमें तारिक फैसल, दिनेश विश्वकर्मा, मुकराम निषाद, संतोष कुमार सोनकर सहित कई सभासद और पूर्व सभासद शामिल रहे।
छात्र छात्राओं की प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें बेहतर मंच प्रदान करने के लिए शहर के तमाम स्कूलों कॉलेजों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को नगर के रैदोपुर स्थित टाइनी टार्ट्स स्कूल कैंपस में सामान्य ज्ञान और खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शहर के 5 जाने माने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में काफ़ी रोमांचक दौर देखने को मिले। छात्र छात्राओं ने बड़ी सजगता से सवालों का जवाब दिया। टाइनी टार्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने ABC चैनल को बताया कि दोपहर बाद रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें GD ग्लोबल स्कूल फर्स्ट, टाइनी टार्ट्स स्कूल सेकेंड और डेलिम्स सनबीम स्कूल ने 3rd रैंक हासिल की है। श्री गौड़ ने प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद भी बताया। से बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको किस तरीके से निखारा जाए और उनका किस तरीके से और निखार के हम उनको और अच्छी तरीके से इस विश्व पटल पे कहीं पे भी उनको खड़ा करने के लिए तैयार। ग्रामीण गरीब महिलाओं का हुनर तराशने व सबके सामने लाने वाली साज फाउंडेशन आगामी 6 से 8 अक्टूबर तक साज सेल्फ हाट का आयोजन करने जा रही है। राहुल प्रेक्षागृह में लगने वाले इस सेल्फ हाट की थीम है बेस्ट ऑफ वेस्ट, यानी कूड़े कबाड़ से बनाई गई नायाब कलाकृतियां इस सेल्फ हाट का आकर्षण बनेंगी। गुरुवार को साज फाउंडेशन के सचिव संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर हाट के बाबत विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 शिल्प हाट में 10 काउंटरों के जरिए उन 200 बेजोड़ अतुलनीय कलाकृतियां लोगों के सामने आएंगी जो कबाड़ से बनी होंगी। ये नायाब कलाकृतियां लोगों को कबाड़ प्रबंधन के प्रति भी जागरूक करेंगी। 97 से आजमगढ़ में हम काम कर रहे थे। साज फाउंडेशन एक हमारी फाउंडेशन है, उसके तहत लड़कियों को मैंने क्लासेस लेनी शुरू की और अब तक कम से कम 500 लड़कियों को हम सेल्फ डिपेंडेंट बना चुके हैं। और यहाँ पे बहुत नए काम हमने किए। गणेश एग्जीबिशन लगाई थी 2003 में, पहला ही 109 गणेश जी बना के हमने एग्जीबिशन लगाई। 2005 में पहला फैशन शो शहर में कराया। उसके बाद तब से हम लड़कियों के साथ काम कर रहे थे उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। अब वो लड़कियाँ तैयार हैं, 15,000 से 20,000 रुपये अर्न कर रही हैं और इस शहर का बेस्ट ऑफ वेस्ट टॉपिक लेके अब पहली बार इस शहर में पहली बार एक शिल्प हाट लगाने जा रही हैं। उसमें शहर का जितना कूड़ा कबाड़ है उसको इकट्ठा किया इन लोगों ने, उसके बाद उनसे कलाकृतियां बनाई हैं और ये अलग अलग 10 टॉपिक लेके इन लोगों ने अपने काउंटर्स तैयार किए हैं। 10 काउंटर ये लोग लगाएंगी और 6 तारीख को एक शिल्प हाट आप लोगों को शहर में दिखेगा, इसी को लेकर 6 से 8 कहाँ पर लग रहा है ये कार्यक्रम? राहुल प्रेक्षागृह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खेवनहार रहे महाराजा निषाद राजगुह को बहरहाल कोई खेवनहार नहीं मिल रहा। दशकों से उनकी प्रतिमा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पास उपेक्षित पड़ी धूल धूर्सित हो रही है। प्रतिमा के अब तक स्थापित न किए जाने व निषाद राज की उपेक्षा किए जाने से आहत विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए छात्रों ने निषाद राज की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। DM साहब को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन इसलिए दिए हैं कि हम लोग के समाज का निषाद राजगुरु भगवान निषाद राजगुरु जी लगभग 15 साल से नगर पालिका पानी टंकी में उसी तरह पड़े हुए हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन भी दिए, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन दिए हैं और कई बार जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिए हैं, तो इन्होंने बस आश्वासन दिया है कि मैं 2 दिन में ये कर दूंगा, 2 दिन में मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ये कर दूंगा, चल रहा है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। अगर
ये जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे। तो हमसे जिलाधिकारी साहब से यही उम्मीद है कि एक जल्द से जल्द अगर कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए।